फंस जाते हो। एक तरफ जैसे मैं काम कर रही हूँ पागलों की जैसे, तबीयत ठीक नहीं है मेरी अभी ना हो, और तो वो ड्राइवर है, आप उसको बोल दें, आप खुद से करना। हर चीज़ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल हो गई हुई है भाई, नहीं सुनना मुझे किसी का मशवरा भी। थोड़ी सी तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा कोई खास अच्छी नहीं है, यहाँ पे शायद ये मेरे आखिरी आखिरी दिन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं अभी ये वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैं एक तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना भूल गई कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगे, और मेरा मुल्तान की जो जर्नी थी मेरी वो कैसी लगी आप लोगों को मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और पहले ये वीडियो देखिए, फिर एंड पे आपसे मुलाकात करती है। वीडियो तो शुरू कर बैठी हूँ, अब समझ नहीं आ रहा बोलूँ क्या। आजकल जिंदगी भी ऐसी हो गई हुई है, कोई चीज़ आप शुरू तो कर लेते हो लेकिन फिर फंस जाते हो, लाइक नहीं समझ आ रहा होता कि अभी क्या करें, किस तरफ को जाएं, कैसे जाएं। मैं भी ना अजीब तरह के भंवर में आके फंस गई हुई हूँ। एक तरफ जैसे मैं काम कर रही हूँ पागलों की जैसे, दिन रात लगी पड़ी हूँ, ये भी नहीं सोचती कि मुझे रेस्ट का भी टाइम जो है वो नहीं मिल रहा। पूरे वीक मैंने काम करना होता है, लाइक मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही होती। अभी बीमार पड़ी हूँ, अभी बहुत ही शदीद किस्म की, तो सिर्फ एक छुट्टी कर पाई मैं, और आज फिर ऑफिस आ गई। कल छुट्टी की थी आई थिंक, मैंने छुट्टी की थी, मैं कल भी आई थी, मैंने मंडे को छुट्टी की थी एक्चुअली, क्योंकि हालत इतनी बुरी हो गई हुई थी कि बैठा भी नहीं जा रहा था। इवन अभी भी आप लोगों को अगर मेरी आँखों से लग रहा हो तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी अभी ना, थोड़ी सी मौसम का असर हो गया। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मैं कोशिश कर रही थी कि जो मौसम का असर है ना, मौसम का अफेक्ट है, वो ना पड़े मुझ पर। पता नहीं कैसे अचानक से जहनों को मामे भी नहीं था कि मौसम मुझ पर ऐसे अफेक्ट जो है वो करने वाला है, अटैक करने वाला है। मौसम ने अटैक कर लिया, जर्म्स जो है वो लग गए मुझे, कहाँ से लगे कैसे लगे बस लग गए। अब जब लग गए ना तो थोड़ा सा भाई क्या कर रहे हो, एक मिनट रुक। हाँ तो वो ड्राइवर है, आप उसको बोल दें, आप खुद से करना। ये है सामने आ रहा है, ये अल्लाह रखा, थोड़ा ध्यान रख लिया करो ना, कोई भी आके उसको छेड़ा, कोई भी आके उसको ओपन कर रहा है। चीज़ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल हो गई हुई है, नहीं पता चल रहा कौन कहाँ से कैसे घुसा चला जा रहा है, बस किसी को कुछ पता है नहीं, कुछ सुर है नहीं भाई, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कर लो। एक तो
अजीब सी चीज़ मुझे लगती है कि फालतू के मशवरे देना। भाई नहीं सुनना मुझे किसी का मशवरा, भाई नहीं अमल करना चाहती मैं, मेरी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। किसी को समझ में आ रहा है आए, नहीं आ रहा नहीं आए, हार्ड में जाओ भाई। सजेशन है, सजेशन अपने पास रखो भाई, अपने सजेशन अपने ऊपर अप्लाई कर लो, मेरे ऊपर क्यों अप्लाई करनी है अपने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आज है 28 फरवरी और मैं बहुत अरसे के बाद जो है वो व्लॉगिंग कर रही हूँ। शायद पिछले व्लॉग जो थे वो मेरे अभी तक पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक एडिट भी नहीं किए हैं, बाग के हैं वो, अगर मैं कभी किया और ये वाला भी अपलोड किया मैंने तब फिर कहीं जाके मैं आपको बताऊँगी। आज मुल्तान में जना बारिश हो रही है, तो आगे की कुछ कुछ प्लानिंग्स मैंने की हैं, अभी देखो क्या होता है। मैं वापस जाने का प्लान कर रही हूँ, जिन हालात की वजह से जिस वजह से आई थी वो अभी तक वैसे के वैसे ही हालात वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे रहना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं बार बार आउट ऑफ बजट हो रही हूँ, सेविंग नहीं कर पा रही हूँ, और भी बड़े सारे इशू हैं। लाइक पिछले दिनों मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन का इशू हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, एनजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अभी भी थोड़ी सी तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा कोई खास अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ जो है वो मेरी अभी तक इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। और आज अभी बारिश हो रही है तो मैं आपको सिर्फ बारिश दिखाने के लिए ही कैमरा अपना जो है वो मैंने ऑन किया है कि आज जो है वो बारिश हो रही है मुल्तान में, हल्की हल्की है, थोड़ी देर तक रुक जाएगी। आज मैंने कपड़े भी धोने थे, बहुत सारे धोने थे, पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। आई थिंक आज मुझे स्किप करना पड़ेगा, दूसरा काम कर लूँगी, ये वाला नहीं करूँगी। तो यहाँ पे शायद ये मेरे आखिरी दिन है, आखिरी व्लॉग है, होपफुली मेरा ट्रांसफ़र हो जाए दोबारा लाहौर, तो मैं वहाँ पे वापस चली जाऊँगी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, और कोई इशू नहीं है, काम बड़े सुकून से कर रही हूँ मैं वहाँ पे, मुझे पता है मैंने इतने सुकून से काम नहीं कर पाना, पर यहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, फिर अकेली भी हूँ। पर चलो देखते हैं आगे जो होना है जैसे होना है। Now it's time to back to my pavilion. I'm going back to my pavilion. As you can see, पूरा रूम जो हो चुका है वो खाली है, जैसे मैं आई थी जब और तब का मैंने आपको दिखाया था, और अभी भी पूरा का पूरा रूम जो है वो खाली है, वो इसलिए क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ, ट्रांसफ़र हो गया वापस मेरा। सो अभी आई एम गोइंग बैक टू माई होम। सो ये वीडियो मैं एडिट कर रही थी तो मुझे लगा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद आप लोगों को बता ही नहीं पाई। तो जब मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर द ट्रांसफ़र और मुझे वापस आना था लाहौर, और यकीन करिए कि जब मैंने डिसीजन लिया था मुल्तान जाने का तो तब भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अड़ंगा डाला, मतलब कि उनको प्रॉब्लम होने लग गई कि मैं क्यों मुल्तान जा रही हूँ और मुल्तान में मैं क्यों जाना चाहती हूँ, वहाँ पे जाके क्यों काम करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, कभी लाइफ में अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या रीजंस हो सकते थे। तो विदाउट टेकिंग एनी नेम, और जब मैंने वापस आने के लिए अप्लाई किया अगेन सेम लोगों ने वैसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिए कि ये वापस क्यों आ रही है, मतलब जाने में भी प्रॉब्लम था और मेरे वापस आने में भी इन लोगों का प्रॉब्लम था। तो लाइफ इज़ रियली नॉट ईज़ी फॉर मी, जब मैं यहाँ पर थी तब भी और जब मैं वहाँ गई तब भी। हालांकि लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं लाइफ वहाँ पे बड़ी ईजी होगी, बड़े आराम से काम करती होगी, हाँ काम के नस्बत से अगर मैं बोलूँ तो उस तरह का प्रेशर नहीं होता था जिस तरह का प्रेशर यहाँ पे होता है मेन ऑफिस में। जाहिर सी बात है आपको, आप हेड ऑफिस में बैठते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, और फिर यहाँ का अलग ही अपना एग्जाम होता है काम करने का, और
मज़ा भी आता है यहाँ पे काम करने का। वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आया मुझे काम करने का, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही थी क्योंकि मुझे वहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा था। बट बहुत सारी चीज़ें थी, हेल्थ इशूज़ आ रहे थे मुझे बहुत सारे, जिसकी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि आई थिंक आई शुड हैव टू गो बैक नाउ, और वो टाइम था मेरे लिए वापस आने के लिए, और मैं वापस आई हूँ। मैंने वो मेरा डिसीजन था वापस आने के लिए। हाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं बहुत सारे लोगों ने, आई डोंट नो क्यों, बट इट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इग्नोर देम। सो आई एम इग्नोरिंग देम, और अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट इट्स ओके, एज आई एम आई हैव सेड दैट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मैंने उस फेज़ को भी इंजॉय किया, मैं इस फेज़ को भी अपने लाइफ के जो है ना वो इंजॉय कर रही हूँ। ये और बात है कि थोड़ी तकलीफ तो होती है, बट इट्स ओके। चलें, मेरे अगले वीडियो तक के लिए शाजिया सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।